हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आज हम बहुत ही अच्छा आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आए हैं, और बहुत देर बाद मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गया था यूट्यूब पे, बट हम ट्राई करेंगे, अब से मैं रेगुलर आऊँ। बहुत सारी मेरे को रिक्वेस्ट आ चुकी थी, तो आपने मेरी फाइनल लुक देख चुके हो। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जो है उसी ग्लो का। बेसिकली आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बट मेरे को थोड़ी कम क्वांटिटी लगाना अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लगाना। इसके बाद के आपको स्टेप्स पता ही हैं। सबसे पहले हम करते हैं आई मेकअप, देन हम उसके बाद करते हैं अपना बेस। तो आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, जिस चीज़ की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस है आपको करना वैसी है। कभी भी क्लाइंट पे कोई न्यू टेक्निक आपने ट्राई नहीं करनी है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आई पे कंसीलर लगा रहा हूँ, वो है टू फेस का। और कंसीलर का शेड आप सबको पता ही है कि कौन सा होना चाहिए, वन टोन लाइटर, ठीक है, या स्किन टोन का लगा सकते हो अगर थोड़े डार्क आई मेकअप्स हैं। अगर थोड़े ब्राइट या फेयर आई मेकअप्स हैं तो थोड़ा सा फेयर कंसीलर लगा सकते हो, बट इतना भी फेयर मत लगाना कि आपकी फाउंडेशन का टोन एंड आपका आई कंसीलर का टोन बाद में मैच ही ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, और आई कंसीलर को उतनी ही क्वान्टिटी में लगाओ जितना ही आपको नीडेड है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना आपको। मैं थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर रहा हूँ कंसीलर को, आप थोड़ी सी पाउडर सेटिंग उसकी कर भी सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। मैंने अभी अवॉइड करा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेडो वर्क उस पर करना ही है। तो अभी हम आप देख पा रहे हो जैसे कि ब्राउन शेड ले रहे हैं अपना आउटर कॉर्नर पे, और जो मैं पैलेट अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरे पास क्रायलॉन की पैलेट, बहुत ही अच्छी पैलेट है। क्रायलॉन देखो एक ऐसा ब्रांड है कि इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट हम थोड़ा सा इसे डिग्रेड करते हैं कि नहीं यूज़ है, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे में भी इसको देख के थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं कि आप क्रायलॉन यूज़ कर रहे हो। बट अदरवाइज़ हमारे पास क्रायलॉन एक बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट हमें उसे अच्छा ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपनी क्रीज पे विद माय ब्लेंडिंग ब्रश मैं उसे थोड़ा सा डार्कर कलर दे रहा हूँ, जो है मीडियम ब्राउन इन कलर। आप डार्कर ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन से जब मर्जी प्ले कर सकते हो। ब्राउन कलर एक ऐसा कलर है कि हमें वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है करके, और कभी भी क्लाइंट को वो अजीब नहीं लगेगा अपनी आईज़ पे। तो अगर आपको कभी नहीं सूझता कि इस कलर के साथ मैं कौन से कलर से स्टार्ट करूँ, आप ब्राउन कलर से शुरू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास कलर बनते रहेंगे। सो अभी की जैसे आप देख रहे हो हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं अपनी क्रायलॉन पैलेट में से, और मैंने फ्रंट पे थोड़ा सा वाइटिश बेज सा शेडो लिया है। एक्चुअली मैं ये लुक रिक्रिएट कर रहा हूँ, मैंने किसी की रेफरेंस देखी थी रैंडम किसी मेकअप आर्टिस्ट की, तो वो मैं लुक मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। ये काइंड ऑफ थोड़ी इंग्लिश लुक है जो थोड़ी गर्ली लुक है, हमारी लुक को थोड़ा शार्प एंड क्रिस्प लुक देता है, और बहुत ही अच्छी लुक लगने वाली है। और आपने इसका आफ्टर देखा ही है कितना ब्रिलियंट लग रहा है, विद अ टच ऑफ ब्लू लाइनर अंडर योर आईज़, बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आया था वो। तो अभी मैं लगा रहा हूँ थोड़ा सा सिल्वर कलर का शेडो ऑन सेमी एरिया ऑफ योर लिड, और थोड़ा सा उसे ब्लेंड करूँगा। जो पिगमेंट हैंड से आता है ना, वो मेरा ब्रश से बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ अपने हैंड से पिगमेंट लगाऊँ और उसे अच्छे से स्प्रेड करूँ। और मैं अपने फिंगर से थोड़ा शिमरी शेडो लगा रहा हूँ जो है सिल्वर इन कलर, और ये वाले जो शिमर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है अर्बन डीके का मूनडस्ट शेडो। इनमें अलग अलग नेम्स आते हैं, तो आप देख सकते हो अर्बन डीके के शिमरी शेडोज़ बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं अभी पतला सा, बिल्कुल पतला सा लाइनर लगा रहा हूँ, डिपेंड करता है अपॉन आईज़, आप मोटा लाइनर भी लगा सकते हो। अगर तो आपको मिनिमल लुक रखनी है, इंग्लिश लुक रखनी है, तो आप थोड़ा पतला लाइनर प्रेफर करोगे या स्मजिंग लाइनर प्रेफर करोगे। अगर आपको ट्रेडिशनल रखनी है तो आप मोटा काजल, मोटा लाइनर प्रेफर कर सकते हो, सारा आपकी लुक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं अपने लाइनर को थोड़ा क्रिस्प रखते हुए अपना प्रो आर्ट का PE30 ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और जेल लाइनर या लिक्विड लाइनर के साथ जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप अपनी फिनिशिंग दे सकते हो। लाइनर प्रॉपर ना नीट होना चाहिए, जब अगर नीट नहीं होगा तो देखो एक लाइनर हो गया, आईब्रोज हो गया, आपका लिप शेप हो गया, ये चीज़ें नीट है ना तो आपका मेकअप बहुत नीट लगता है। यही चीज़ें अगर बैलेंस नहीं हो रही इट मींस मज़ा नहीं आ रहा हमारे मेकअप में। तो मैं अपने लाइनर को क्रिस्प करने के लिए थोड़ा सा कंसीलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो शार्प हो जाए अच्छे से, अपनी विंग में उसके शार्प कर रहा हूँ। अगर मेरे से कभी विंग ख़राब हो जाती है तो इससे वो शार्प इफेक्ट आ जाता है। देन मैं अपने बेस को क्लीन करूँगा विद द वेट वाइप, और जो वेट वाइप हम यूज़ करते हैं वो है मीमी का। अंडर आइज़ पे बहुत सारा फॉल ऑफ हो जाता है, अगर मैं एज इट इज़ मेकअप स्टार्ट कर दूँगा तो डेफिनेटली मेरा जो बाद का बेस है वो ख़राब करेगा। तो इसीलिए मैं अच्छे से स्मज कर रहा हूँ प्राइमर को, और जो प्राइमर मेरा दी बेस्ट वन एंड ओनली जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है स्मैश बॉक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्मैश बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और भी दिखने को मिलेगा, अभी के लिए मैंने स्मैश बॉक्स यूज़ करा है। ये आप ऑल स्किन टाइप है, बट अगर किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ऑयली होती है तो उसके लिए मैं कोई और रिकमेंड कर दूंगा आपको, बट ये वैसे ऑल स्किन टाइप है फॉर नॉर्मल वेदर एंड नॉर्मल स्किन के लिए। तो करेक्शन के लिए आपको पता है मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मैं एले गर्ल के करेक्टर्स यूज़ करता हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी करेक्टर्स नहीं यूज़ करता। तो एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर मैं लगाऊंगा, देन अगर मेरे को थोड़ा सा ऑरेंज को हाइड करना होगा तो उसके बाद मैं लगाऊंगा वॉर्म हनी कंसीलर, वो भी एले गर्ल का है और आपको थोड़ा डैब डैब मोशन में लगाना है। एंड ऑरेंज करेक्टर उतना ही लगाएं जितना रिक्वायर्ड है और उसी एरिया पे लगाएं जो एरिया डार्कर लग रहा है। जितना ऑरेंज करेक्टर आप एक्सेस लगाओगे उतना ही ज़्यादा हमारा बेस ऑरेंज होना शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जितना ज़्यादा ऑरेंज लगाओगे उतना और मतलब आपका बेस पेल लगना शुरू हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा या आपको ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप मेरी क्वांटिटी देख सकते हो, मैंने ऑरेंज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी, उतनी रख रहा हूँ जितनी मेरे को चाहिए स्मजिंग बेसिस पे ना। ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा लगाऊंगा, उस पर हम कम नहीं लगा सकते क्योंकि उस पर फाउंडेशन भी ज़्यादा लगने वाली है। अब देख सकते हो जैसे मेरी मॉडल का फेस किडिश है, तो मैं अगर इन पे ज़्यादा फाउंडेशन लगाऊंगा तो क्या लगेगा, मैच्योर्ड। कम फाउंडेशन लगाऊंगा तो क्या लगेगा, गर्लिश। तो वही चीज़ मेरे को मेंटेन रखनी है, मिनिमल लुक में हमें कैसे एक लुक को एनहांस करना है, तो उसमें कुछ नहीं है, हमें हर एक चीज़ रखनी है बट मिनिमल। फाउंडेशन मिनिमल, कंसीलर मिनिमल, करेक्टर मिनिमल, आई मेकअप जितना सॉफ्ट रख सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैं अपने फ्लैट ब्रश से अपनी फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ और ये फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है क्योंकि ये स्टेप हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है क्योंकि आपको अप्लाई करना है हर एक एरिया पे। और फाउंडेशन मैंने अभी यूज़ करी है नार्स की, नार्स का जो मैंने शेड अभी यूज़ करा है ये पंजाब एंड बार्सिलोना मिक्स शेड है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, दी बेस्ट फाउंडेशन है नार्स, किसी भी स्किन पे चल जाती है। ज़्यादा ऑयली पे मैं नहीं लगाता हूँ बट ऑलमोस्ट मेरी हर पे नार्स तो चलती चलती है। और हर एक स्टेप के बाद अपने ब्लेंडर से आप अपने स्टेप को इवन कर सकते हो, कहीं से अनइवन ना रह जाए। पाउडर सेटिंग से पहले आपको अच्छी तरह अपने बेस को चेक करना है कि हमारा जो बेस है पूरा सेटिस्फाइड रहे, पूरा सेटिस्फेक्शन से ब्लेंडेड हो, अंदर घुस घुस के देखना कि कहीं भी गलती ना रह जाए, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट ने घुस के देख लिया और वहाँ पर पैचिनेस या अनइवन या ब्रिसल्स टोक रह गए तो फंस जाओगे वहीं पर ही। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं कंसीलर लगा रहा हूँ टू फेस का लाइट बेज। आप कितनी क्वांटिटी लगाते हो और मैं कितनी क्वांटिटी लगा रहा हूँ इस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कि आप हमारी जैसे लुक कई बार नहीं रिक्रिएट कर पाते हो चाहे स्किन अच्छी होती है, तो उन स्टेप्स पे आपको फोकस करके ये वाली लुक्स को रिक्रिएट करना है। एंड गाइज, अगर आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स, छोटी छोटी चीज़ें जाननी हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जब मर्ज़ी पूछ सकते हो, इसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर सकते हो, वो है जैसे नीचे नेम लिखा हुआ हिमांशु गुप्ता मेकअप, उसमें सारे ट्यूटोरियल्स, हर एक अपडेट। वैसे यूट्यूब पे मैं सब कुछ लेके आने वाला हूँ बट कुछ अपडेट ऐसे होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑल जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही आते हैं, तो आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड अंडर आइज़ को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। अगर अंडर आइज़ लाफ लाइन्स पे प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा, क्रीज लाइन्स आ जाएंगी, जो ब्लेम हमारे पे आ जाता है कि हमने क्रीज लाइन्स उनकी बना दी, वहाँ पर प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया। कुछ गलती हमारी भी हो सकती है तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है कि हमने ध्यान अच्छी तरह से नहीं करा और वहाँ पर क्रीजेज बन गई या मेकअप वाली क्रीजेज आ गई, मतलब हमारा एरिया वो वेट रह गया, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा सा फेस को अपलिफ्ट करने के लिए, चिजल्ड लुक देने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैक का ब्रॉन्जर शेड, जो कि बहुत अच्छा शेड है, क्रीमी है, मतलब फ्ल्यू करता है, मतलब स्किन पे ना इतना अच्छा चलता है, हमें स्लाइड करता है अच्छी तरह। तो इसलिए आप कोई भी ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो, एले गर्ल का, DJ2 फ्रॉम डर्मा का, मैं मैक का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ था। आप ब्रॉन्जर देख सकते हो मैं किस शेप में लगा रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ को नोटिस करना है। कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो और ना एक ब्रांड कॉन्शियस ज़्यादा नहीं होना, ब्रांड 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 कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो, कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो, एक चीज़ सिर्फ एक चीज़, आपके अगर हाथ में नीटनेस है ना, आप कोई भी नॉर्मल ब्रांड से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो, बस आपके हाथ में वो जादू आना चाहिए, वो आएगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और दिल से मेकअप करना शुरू कर दो, मज़ा आ जाएगा आपको मेकअप करके।
अगर किसी को फिर भी हमारे से पर्सनली मेकअप सीखना है तो हमारा स्टूडियो है लुधियाना में, वो आप सीख सकते हो हमारे पर्सनली स्टूडियो आके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टिंट लगा रहा हूँ। टिंट लगाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पिंकी लुक हमारी टिंट से ही आती है। कई बार क्या होता है मैटिफाइंग ब्लश इतना ज़्यादा नहीं लगता, तो अभी हम पिंक कलर का टिंट लगा रहे हैं ऑन चीक्स। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थोपा थापी नहीं कर रहा, जितना मिनिमल हो सकता है स्प्रेडिंग वे में मैं उतना उसको स्प्रेड कर रहा हूँ ताकि एक ही जगह पे मेरा ज़्यादा इफेक्ट ना आए और वो बहुत ही अच्छा लगे। तो इतने में ही मेरी देखो लुक कितनी एनहांस हो रही है, अपलिफ्टेड, क्योंकि मैंने देखो ब्रॉन्जिंग भी ऊपर की तरफ करी, देन ब्लशर भी ऊपर की तरफ करा, आई मेकअप भी थोड़ा अपलिफ्ट करके करा हुआ है। तो उसी से ही हमारा जो फेस है वो अपलिफ्टेड रहेगा, चिजल्ड रहेगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो पाउडर सेटिंग से पहले मैं दोबारा अपनी अंडर आइज़ को अच्छी तरह से स्मज कर रहा हूँ, देन उसके बाद उस पर पाउडर रख रहा हूँ ताकि उस पर दोबारा क्रीजेज ना आ जाएं, और बहुत देख लो अंदर घुस के पाउडर रख रहा हूँ ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना रह जाए। क्रीज लाइन नहीं आएगी तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, क्रीजेज आएंगी तो वहाँ पर डार्कनेस भी आएगी, वहाँ पर वेटनेस भी आएगी और क्राइंस, फिर वहाँ पर खींच खींच के देखते हैं देखो यहाँ पर लाइंस है, देखो यहाँ पर लाइंस है, और उतने में हमारा पूरा मेकअप एंड देन स्पॉइल हो जाता है। तो इसलिए पहले ही सावधानी बरत के अपना अच्छे से क्रीजेस को सेट कर लो और फुल फेस पे उतना लगाओ जितना रिक्वायर्ड है। थोपा थापी नहीं करनी, यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया, इवनली लगाओ। अब देखो मैं पाउडर रख रहा हूँ बट आपको पता नहीं लगेगा मैं कितना ज़्यादा पाउडर रख रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा ब्लेंडेड वे में लगा रहा हूँ। आप क्या करते हो देख देख के किसी का भी रखना शुरू करते हो, तो जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा पाउडरी, केकी, पैची, ये जो वर्ड्स हैं मेकअप के आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो ब्लेंडेड वे में लगाना ताकि आपका मेकअप ड्यूई, सटल एंड बेस्ट लगे, सुंदर लगे। और एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर देंगे। अब देन हम अपने फेस को स्ट्रक्चर करने के लिए अब हम ब्रॉन्जर यूज़ कर रहे हैं। पहले देखो हमने क्रीमी यूज़ कर रहा था, तो जितनी भी क्रीमी चीज़ें हैं वो हम यूज़ करेंगे सारा हमारे पाउडर से पहले, और जितनी भी पाउडर वाली चीज़ें हैं वो हम यूज़ करेंगे आफ्टर पाउडर। तो पाउडर हो चुका है तो पाउडर के बाद मैं कर रहा हूँ क्रीम, सॉरी पाउडर ब्रॉन्जर, देन पाउडर ब्लश। और कहाँ पर करते हैं आप एरिया देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा ना पाउडर के बाद अपने ब्रश को ड्रैग नहीं करना। आप मेरी मोशन देख सकते हो, सारा मैंने डैब डैब मोशन में लगाया ताकि मेरा जो निचला प्रोडक्ट है वो अपनी स्पेस से ना हिले, क्योंकि अगर वो हिल गया तो वहाँ पर मेरी डार्कनेस या ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाती है। नोज़ को ब्रॉन्जिंग ध्यान से करनी है। नोज़ को हम कई बार चिजल्ड करने के बजाय बच्चे क्या गलती करते हैं उसे और मोटा करके रख देते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और नेक ब्रॉन्जिंग ज़रूर करनी है। तो अब देखो मेरे को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लश लगानी है, और जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है टार्ट की ब्लश बुक, जो आपको कहीं से नहीं मिलने वाली, मेरी भी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो अब नहीं मिलती है। ब्रो बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, देन उसके बाद हम आईब्रोज बनाएंगे, अंडर आइज करेंगे, देन हमारी लुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हर एक चीज़ पे आपने ध्यान रखना है और उसे एनहांस करते जाना है, फोकस होके करना है कि हाँ यार हर एक चीज़ में हमारी परफेक्शन आनी चाहिए। टिंट लगाने के बाद अभी हम अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। आप आईब्रोज़ को पाउडर से भी फिल कर सकते हो, किसी भी चीज़ से फिल कर सकते हो। और अंडर आइज़ पे जो आपने मेरा फाइनल लुक में देखा था, मैंने ब्लू कलर की PAC की पेंसिल यूज़ करी है अंडर आइज़ पे, आइज़ के अंदर नहीं अंडर आइज़ पे, और उसे थोड़ा थोड़ा स्मज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ब्लू कलर की, क्योंकि इनका ब्लू कलर का आउटफिट था। मैं ट्राई करूँगा अगर एंड शॉट में आपको दिखा पाऊँ, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम पे इनका फाइनल शॉट डला हुआ है, आप देख सकते हो आउटफिट के साथ ये मेकअप कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और मैं थोड़ा डबल लाइनर लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ब्लू कलर को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे से, और अंदर की तरफ मैंने दिया है न्यूड काजल और बाहर की तरफ मैंने दिया है ब्लू लाइनर, और उसे अच्छे से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एज अ डबल विंग लाइनर, और वो बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी, पतला पतला सा। अगर मैंने मोटा कर दिया तो गर्ली लुक मेरी ख़त्म हो जाएगी। और क्रीमी करने के बाद हमें ब्लू शेडो को शेडो से ज़रूर करना है। अगर मैंने क्रीमी पेंसिल के बाद ब्लू शेडो से नहीं लॉक किया तो क्या होगा, मेरा ख़राब होने के पूरे 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 चांसेस हैं, वो फैल जाएगा। अगर क्रीज लाइंस हुई, वेट हुआ, तो उसमें भी वो फैल जाएगा।
और मस्कारा लूअर वाला आप करना भूल जाते हो या डर के कारण नहीं करते, तो उससे क्या होता है, हमारा जितना भी एनहांस होना होता है मेकअप, वो एनहांस प्रॉपरली नहीं हो पाता, सिर्फ 80% होता है, 20% लोअर मस्कारा के कारण रह जाता है। और लैशेस प्लास्टिक वाली नहीं यूज़ करनी है, मिंक लैशेस यूज़ करो, सिनोरा यूज़ करो, लाशअप की लैशेस यूज़ करो, अच्छी वाली लैशेस, मिंक लैशेस यूज़ करो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी बट लुक बहुत अच्छी आएगी, जिससे आपके पास क्लाइंट रिपीट होने ही वाला है। चाहे आप आगे फ्यूचर में प्राइस बढ़ाते हो बट आपको क्लाइंट नहीं छोड़ेगा, वो भी आपको पे करेगा, तब आपको बेनिफिट होगा। तो इसलिए आपने लॉन्ग टर्म का सोचना है हमेशा। तो अभी मैंने लाइनर को ग्लू से अच्छी तरह रिपीट कर लिया है, और लैशेज जो मैंने इन पर यूज़ करी है वो सिनोरा की लाइट वेट लैशेज यूज़ करी हैं। आईब्रो को फिल कर रहा हूँ, आईब्रो को हमने बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी जहाँ पर गैपिंग लग रही है वहाँ वहाँ से फिल करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। एंड गाइस मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है, ठीक है, कितनी हेल्पफुल रह रही है, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है, मैं उस पर आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ बताऊँ। और मेरे को थोड़ा बूस्टअप करना है आपने कमेंट में कि आपके लिए मैं ये वीडियोस लेके रेगुलर आता रहूं या स्पेशली टॉपिक्स पे लेके आता रहूं। तो अभी मैंने लिप शेप बना ली है और मैं बहुत ही लाइट सा लिप कलर फिल कर रहा हूं, और जो लिप कलर है वो है हमारा रिकोड का संडे शेड, क्योंकि अगर मैं डार्क लिप कलर लगाता हूं तो वही चीज़ है, वो मैच्योर लुक आएगी। अगर मेरे को लुक को मेंटेन रखना है तो मैं न्यूट सा लिप कलर लगाऊंगा, सबसे पहले ना मैं न्यूट लिप कलर ही लगाता हूं। अगर मेरे को लगेगा तो ऊपर से डार्क हो सकता है, बट डार्क वाला लिप कलर कभी भी लाइट नहीं होगा, तो उस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखना। लिप शेप भी परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे को भी थोड़ी दिक्कत आती थी बट प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ मेरी ठीक हो गई। लुक देखो कितनी प्यारी आ रही है, आईज़ कितनी सटल लग रही है, कितनी अपलिफ्टेड लग रही है, फेस कितना अपलिफ्टेड लग रहा है, मतलब देखने में ही गर्लिश लग रहा है, जैसी उसकी लुक थी। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है टूवर्ड्स ब्यूटी, नॉट कि एकदम से। तो आप मेरे को ये बताना कमेंट करके आपको ये लुक फाइनल लुक कैसी लगी, एंड थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Jump in. Like your Barbie girl, I'm living in my own.